नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। सोमवार को सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी। इसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जितनी भी धाराएं उनके क्लाइंट पर लगाई गई हैं उनमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। मनीष के वकील ने कहा कि ये गिरफ्तारी ना सिर्फ मेरे क्लाइंट के खिलाफ असॉल्ट है बल्कि एक संस्था यानी सरकार के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा जो भी शराब नीति में प्रॉफिट के संबंध में 5 से 12% के जो बदलाव किए वो नोट का हिस्सा थे जिसे एलजी को भेजा गया था, जिसमें एलजी की ओर से तब कोई बदलाव का सुझाव नहीं दिया गया था। शराब नीति को सिसोदिया ने सार्वजनिक डोमेन में रखा था, पारदर्शिता रखी गई। उपराज्यपाल के कार्यालय में पहुंचने पर ही इसे अमलीजामा पहनाया गया। मनीष सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि पुलिस को डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करते वक्त इसकी वजह बतानी चाहिए थी। अगर सीआरपीसी की धारा 41 का पालन नहीं होता है तो ऐसे में बेल मिलनी ही चाहिए। मनीष के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी को यह सोचना चाहिए कि इसका मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा। गिरफ्तार करने की शक्तियों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण होना चाहिए। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। सीबीआई ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फैसला लिया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे सिसोदिया की हिरासत की जरूरत है। वहीं सिसोदिया के वकील ने उन्हें हिरासत में देने की सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति यानी कि जो अब रद्द हो चुकी है को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के बाद दिल्ली का माहौल गर्मा गया है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। दिल्ली में किसी भी जगह प्रदर्शन और धरने को रोकने के अलावा लोगों को एक जगह एकत्रित होने से रोकने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन किया। आप नेता दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के करीब 70 नेताओं को पुलिस ने अब तक हिरासत में लिया है। सिसोदिया पर हो रही कार्रवाई के विरोध में आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी की नौकरी कर रही है। अडानी ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी सरकार ने अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब दे दिया। लोगों का ध्यान इस मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया। उनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली है। सिसोदिया के घर से सीबीआई और ईडी को कुछ नहीं मिला था। उनके खिलाफ इसके पास कोई सबूत नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरी आम आदमी पार्टी उनके बचाव में आ गई है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपने शिक्षा मंत्री का बचाव किया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि देश में ईमानदार लोगों को जेल में डाला जा रहा है, करोड़ों लूटने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। सिसोदिया शरीफ आदमी है, उन्होंने गरीब बच्चों का भविष्य सुधारा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति का हिस्सा है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ में आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। वहीं केजरीवाल के साथ मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सिसोदिया एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री हैं। भाजपा ने स्कूल बनाने वाले को जेल भेजा है, ये बच्चों को शिक्षा देने से रोकने की साजिश है। हम उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। इनके खिलाफ जो भी बोलेगा ये उसके साथ यही करेंगे। दिल्ली की तरक्की कराने वालों को ये जेल में भेजेंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ताबड़तोड़ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगली बारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होगी। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार, शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माता बहनों की हाय लगी है मनीष सिसोदिया को। मैं शुरू से कह रहा हूं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से 2 लोग जेल जा चुके, अगला नंबर केजरीवाल का ही है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला हुआ है और सिसोदिया ने कमीशन लिया है। समित पात्रा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शिक्षा मंत्री शराब नीति की वजह से गिरफ्तार हुआ। यह आंखें खोलने वाला और चकित करने वाला है। सिसोदिया ने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। समित पात्रा ने आगे कहा कि साल 2014 से पहले केजरीवाल जी कहते थे कि हम दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, औरतों से पूछेंगे कि आप क्या चाहती हैं। अगर महिलाएं कहेंगी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए तो बंद कर देंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद कमीशन के लिए मंदिर के पास और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोलने की साजिश कर डाली। केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए पात्रा ने
आगे कहा कि आज दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने अपने कमीशन के चक्कर में शराब के होलसेल कमीशनिंग को 2% से बढ़ाकर 12% तक किया ताकि आम आदमी पार्टी मोटा पैसा कमा सके। इस घोटाले में कमीशन खोरी की बदबू आ रही है। हमने कई बार शराब नीति पर सवाल पूछे, किसी ने भी हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल आखिर चुप क्यों है? पॉलिसी अच्छी थी तो आप सरकार ने इसे वापस क्यों लिया? दिल्ली के मेयर पद पर कामकाज संभालने के बाद शहरी ओबराय एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती को पत्र लिखकर सभी विभागों के कार्य का एजेंडा मांगा है। साथ ही सभी विभागों से अपने अपने कामकाज का प्रेजेंटेशन और भविष्य में किए जाने वाली कार्य योजना मांगी है। सूत्रों के मुताबिक महापौर निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शैली ओबराय ने निगम आयुक्त को पत्र लिख दिया था। इसमें करीब 12 से ज्यादा विभागों की जानकारी मांगी गई है। इससे प्रमुख तौर पर शिक्षा से लेकर पार्किंग, इंजीनियरिंग, विज्ञापन विभाग, उद्यान विभाग, विधि विभाग की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही महापौर ने उन स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी मुहैया कराने को कहा है जो शिक्षा विभाग में कार्य कर रही हैं। दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कोर्ट में लंबित हो गया है। ऐसे में स्थायी समिति का गठन कब होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अप्रैल में फिर से महापौर का चुनाव होना है, इसलिए महापौर के पास काम करने के लिए बहुत ही कम समय है। स्थायी समिति का गठन न होने से शक्तियां तो महापौर के पास आ जाएंगी, लेकिन अधिकारी फिलहाल इस मामले में बहुत ज्यादा सतर्क होकर काम कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर स्थायी समिति का गठन न होने तक महापौर से अग्रिम मंजूरी लेकर परियोजनाओं की मंजूरी दी जाती है, फिर मूल प्रस्ताव बाद में स्थायी समिति से पारित करा लिया जाता है। चूंकि स्थायी समिति में चेयरमैन भाजपा की ओर से की संभावना है, ऐसे में अधिकारी अग्रिम मंजूरी लेने से भी हिचकिचाएंगे। वहीं सामान्य बैठक होने में भी कानूनी अड़चन है। निगम एक्ट के अनुसार सदन की पहली बैठक में ही स्थायी समिति के 6 सदस्य चुने जाने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के शहीद जवान शंभू दयाल के बेटे को सब इंस्पेक्टर पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि श्री शंभू दयाल जी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। दिल्ली पुलिस की सभी रैंक और फाइल उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगी। उनके बेटे दीपक को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंप रहा हूं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शहीद जवान शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक आदेश के बाद बाइक टैक्सी राइडर्स की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। करीब 140 बेरोजगार बाइक टैक्सी राइडर्स ने हाल ही में बाइक टैक्सी पर लगाए प्रतिबंध के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च भी निकाला। मार्च की अगुवाई दिल्ली की एनजीओ एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी ने किया। ये मार्च साउथ दिल्ली के साकेत से शुरू होकर सिविल लाइन्स अंडर हिल रोड परिवहन विभाग मुख्यालय पर समाप्त हुआ, जहां आरटीओ आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगने से कई हजार बाइक टैक्सी सवार और नई दिल्ली के कई लाख नागरिक राज्य सरकार के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। इन बाइक टैक्सी सवारों ने निलंबन के कारण अपनी आजीविका खो दी है और सरकार से प्रतिबंध को रद्द करने का आग्रह किया है। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे इंटीरियर डिजाइनर को गिरफ्तार किया है जो इंस्टाग्राम पर लड़कियों की स्टॉकिंग करता था और उन्हें परेशान करता था। इंस्टाग्राम पर लड़कियों का पीछा करने वाले एक इंटीरियर डिजाइनर को उत्तरी जिला की साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई लड़कियों को फेक प्रोफाइल बनाकर परेशान किया हुआ था। उनमें से एक लड़की की शिकायत पर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी लड़कियों के नाम से फेक प्रोफाइल बनाकर लड़कों से दोस्ती करता था और उनकी गर्लफ्रेंड की फोटो और वीडियो मांगता था। फिर उन्हीं फोटो वीडियो को अश्लील बनाकर फेक प्रोफाइल से लड़कियों को भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। आरोपी के पास से एक फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं जिनका अपराध में इस्तेमाल होता था। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मध्य दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। फुटपाथ पर बने 2 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला। यहां फुटपाथ पर चलने वालों को समस्या हो रही थी। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फुटपाथ पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस पर अदालत के आदेश है। 29 सितंबर 2009 के एक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सड़कों और पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं की संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा मामला दर मामला समीक्षा की और तेजी से उचित कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2022 को एक आदेश में कहा कि संबंधित सरकार सार्वजनिक भूमि पर मौजूद सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए कर्तव्यबद्ध थी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।